तो कल हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे कि लॉजिक चैप्टर में स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एंड एक बार मैं वो सब रिकैप करा देता हूँ। चलो क्या तो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट क्या था, एक सेंटेंस होता है जो कि आइदर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होता है जो कि या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट दोनों साथ में नहीं होगा। एंड हम लोग स्टेटमेंट को पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट होता है उसके दो वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर फॉल्स होगा तो वो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करोगे। फिर ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस है जिनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते? इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेशन हो गया, फिर इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये सब जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होंगे इनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट था ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता होगा, मतलब वो फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी चेंज होते रहता है, तो ये ओपन सेंटेंसेस के लिए। अब ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज ब्लू इन कलर, तो अब कलर यहाँ पे ब्लू है किसका, ये हमें स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। और नेक्स्ट हम इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे। लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने आप लोगों को फाइव टाइप के बताए थे। फर्स्ट जो टाइप था कनेक्टिव्स में वो कंजंक्शन था। कंजंक्शन मतलब एंड था, और एंड में क्या होता है कि जब सब स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तभी वो उसका ये ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज सब वैल्यूज क्या होंगे उसके, फॉल्स होंगे। और एंड के लिए सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन होगा वो पी और ये एंड और क्यू हो जाएगा, और इसको रीड करना है पी एंड क्यू या फिर पी कंजंक्शन क्यू रीड करना है। और की कंडीशन में कैसा था कि अगर अगर दोनों में से एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो पूरा वैल्यू ट्रू हो जाता है। अगर देखो यहाँ पे लास्ट में ये जो है वो दोनों फॉल्स है, तो इसलिए ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप था इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या था कि अगर कोई मतलब स्टेटमेंट इफ और देन से कंबाइन हुआ है, इफ और देन आता है, तो उसे हम लोग इम्प्लीकेशन बोलेंगे। और इम्प्लीकेशन को हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, सिंगल एरो, और इसे रीड करना होता है इफ पी देन क्यू। इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो पूरा पी होता है, और देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो पूरा क्यू होगा। और इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट तभी होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सबके लिए ये ट्रू होगा। और हम लोग को वैसे ही यहाँ पे मतलब देखना होता है, जैसे समझ लीजिए इसमें पहले पी है बाद में क्यू है, तो पहले पी के कॉलम को देखना होता है बाद में क्यू के कॉलम को देखना है। तो जब भी ट्रू आएगा और फॉल्स आ जाएगा तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बताया था, इनके मतलब और हम लोग क्या बोल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट था बाइकंडीशनल। बाइकंडीशनल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसको हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, पी इम्प्लीकेशन क्यू भी है और क्यू इम्प्लीकेशन पी भी है, ना जो सेम स्टेटमेंट होंगे, मतलब जैसे समझ लो पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, अगर दोनों सिमिलर होंगे, अगर दोनों सिमिलर होंगे तो
तो ट्रू आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट जो रो है और लास्ट वाला जो रो है यहाँ पे दोनों भी सेम है, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे दोनों ट्रू ट्रू है। तो जब ऐसे अगर दोनों सेम सेम होंगे ना तो उनका वैल्यू जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वन था नेगेशन। नेगेशन का मतलब कैसे, कोई स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और इसमें कैसे अगर कोई स्टेटमेंट जैसे नॉट नहीं है उसमें, उसमें नॉट इंसर्ट करना है, और अगर है तो उसको निकाल देना है। और नेगेशन ऑफ पी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेशन ये वाले सिंबल से, नेगेशन ऑफ पी। अब जैसे कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल कि 2 इज एन ऑड नंबर, बट अगर उसका नेगेशन फाइंड करोगे तो क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। इसके बाद में हाँ ये नोट में जो मैंने बताया था आप लोग को, अगर दो बार किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करेंगे तो जो स्टेटमेंट होगा वही पहले मिल जाता है। तो कल हम इतने हम लोग ने इतना कवर किया था, आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो सब वन मार्क्स के लिए आते हैं। वन मार्क्स के लिए इसमें क्या पूछा रहता है कि मतलब आइडेंटिफाई करो स्टेटमेंट है कि नहीं है, और है तो उनका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, और ट्रुथ वैल्यू दो ही टाइप होते हैं, एक ट्रू या फिर एक फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें क्या दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, मतलब ये सेकंड जो लाइन दिया है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया है ना, जब वो स्टेटमेंट होंगे तभी उनका ट्रुथ वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगर स्टेटमेंट नहीं होगा तो मतलब स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगा, कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन में हम लोग वहाँ पे ट्रुथ वैल्यू नहीं लिख सकते। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 5 + 4 = 13। यहाँ पे सब जो ऑपरेशंस हैं, देखो ये 5 और 4 के बीच में जो साइन क्या है, प्लस है, इक्वल्स टू ये 13 है। अब ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 5 + 4 = 13, ये जो आंसर है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखना कैसे होता है, इट इज अ स्टेटमेंट which is false, क्योंकि ये statement तो है but इसका जो truth value है वो क्या है, false है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, hence its truth value is false। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये next वाला statement, x minus 3 = 14 है। अब ये x जो है ये unknown variable आ जाता है। अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 17 put करेंगे, x के place पे 17 put करेंगे और उसको 3 से माइनस करेंगे तब 14 आ जाएगा, बट यहाँ पे कैसे, ये अननोन है, तो जब भी x यहाँ पे अननोन होगा तो उसके यहाँ पे x क्या है, अननोन है, इसलिए हम लोग इसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि ये सब सबकी मतलब सब कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको। तो देयरफॉर यहाँ पे ये क्या लिखा है, इट इज अ ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन है क्लोज द डोर, ये हम लोग किसी को कमांड दे रहे हैं कि क्लोज द डोर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है, या फिर ऑर्डर आ जाता है, या फिर रिक्वेस्ट आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्लोज द डोर बोला है, ये कमांड है, इसीलिए ये क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, और जब स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रुथ वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट वन है 0 is a complex number। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है कि जिसके साथ में आई होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
तो अब यहाँ पे जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें पता है कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब किसी के भी साथ में अगर जीरो के साथ में आई लिखते हो तो उसका वैल्यू डिफरेंट नहीं होगा, मतलब कैसे जीरो और फिर इसके बाद में जीरो आई, ये इसका वैल्यू डिफरेंट नहीं होगा, तो देयरफॉर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट है जो कि क्या है, ये ट्रू है। अच्छा नेक्स्ट वन है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना है, ये क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट है। अच्छा नेक्स्ट वन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, जो जिसके साइड्स वगैरह सब इक्वल होंगे तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, मतलब इक्वल ही होंगे, तो देयरफॉर ये तो स्टेटमेंट है और इसका जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट वन जो है वो सेकंड सम के जैसा ही है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स तो अननोन है, इसलिए ये क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट, सर थोड़ा ऊपर करो ना सर, थोड़ा ऊपर। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू अननोन कैसे, मतलब वन ले सकते ना? हाँ वन ले सकते हैं बच्चा, बट कैसा हो जाता है ना कि अब कैसे कोई जो छोटा बच्चा होगा अगर उनसे हम पूछेंगे तो वो बता पाएगा क्या यहाँ पे वन आएगा, और ये कैसा होता है ना, मैंने बताया था ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, अगर ये कैसे, अब कुछ बच्चे बता सकते हैं इसको, वन इक्वल्स टू वन हो जाएगा बराबर है, वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब बट यहाँ पे कैसा होता है कि ये कुछ स्टूडेंट इसको नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए ये ओपन सेंटेंसेस में आ जाता है। तो सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, इट इज ट्रू फॉर वन वैल्यू एंड फॉल्स फॉर रेस्ट ऑफ दिस? नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ अपने को कंडीशंस दिया रहता है, कैसे रहता है कि आपको मतलब उसमें मैंने वहां पे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा था ना कि अगर कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है या फिर इंपरेटिव, ये सब बाकी सब स्टेटमेंट्स जब आ जाते हैं, और ये कैसे ओपन सेंटेंसेस में क्यों आता है, क्योंकि ओपन सेंटेंसेस में ये इसलिए आता है क्योंकि अगर यहाँ पे ना प्रॉपर ना नंबर नहीं दिया है, ये सब अननोन वेरिएबल्स दिया है। अच्छा अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था जिसका उसमें बोला था टू रियल रूट्स होना चाहिए, एक मिनट मैं वो आपको दिखाता हूँ। हाँ ये वाला, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो एज टू रियल रूट्स। अब यहाँ पे ना ये क्या बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रियल रूट आएगा, ये हम लोग को ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ दो ही वैल्यूज आते हैं, तो इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता था, ट्रू होता था, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सीधी सी बात है उसके दो ही वैल्यूज आने वाले हैं। बट यहाँ पे कैसा सिचुएशन हो जाता है, यहाँ पे कैसा सिचुएशन हो जाता है, अब यहाँ पे हम लोग को ना खुद से सॉल्व नहीं करना है सम को, अगर वो प्रॉपर स्टेटमेंट में दिया है, प्रॉपर स्टेटमेंट। हाँ महालक्ष्मी और एक बार बताओ ना सर, सिक्स बताया था, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज में सर। अच्छा अच्छा एक मिनट। हाँ तो पहले मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ महालक्ष्मी, फिर आपका बता देता हूँ। ये जो x square equals to x है ना, इसमें हम लोग को कोई वैल्यूज वगैरह पुट नहीं करना होता है, सिर्फ चेक करना होता है आइदर ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको ओपन सेंटेंस में कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे बोला रहता था ऐसा x square equals to x for x equals to 1, तब ये स्टेटमेंट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे x equals to 1 पर्टिकुलर दिया रहता था। अच्छा हाँ ये क्या दिया यहाँ पे, congruent triangles are similar, congruent मतलब क्या कि जिसके sides वगैरह equal होंगे, और जब sides वगैरह equal होंगे तो same उसका angle भी बनेगा, और जब same angle बनेगा तो वो triangles भी दोनों क्या होंगे, equal होंगे। जैसे समझ लो वो equilateral triangle हो गया, उसके सब sides भी equal होते हैं, सब angle भी 60 degree होता है, इसलिए यहाँ पे वो दोनों भी triangle क्या होंगे, similar होंगे। Next one है, अब यहाँ पे नाइन्थ वाला, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डू यू लाइक मैथमेटिक्स, अब ये सर, हाँ सर,
सर वो जो पी एन क्यू का ऊपर बता रहे थे ना, हाँ बोलो, उसे हॉरिजॉन्टली देखना है कि वर्टिकल भी देख सकते हैं? उसको हम लोग ना मतलब हॉरिजॉन्टली देखना होता है। अच्छा, मतलब पहले एक पी का कॉलम देखना है फिर एक क्यू का कॉलम देखना है, मतलब रो वाइज ही जाना है। अच्छा हाँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अ स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट, वैसे यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, अब यहाँ पे ये प्रॉपर है तो इसलिए ये स्टेटमेंट है जो कि क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखो सब रियल नंबर, रियल नंबर में कौन कौन से, ये किसका कलेक्शन होता है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है रियल नंबर में, और होल नंबर का होता है, इंटीजर्स का होता है, रैशनल नंबर का भी होता है। तो अच्छा, ये रियल नंबर होल नंबर, इसमें ऐसा बोला है ना कि सब रियल नंबर होल नंबर से, तो इंटीजर्स भी तो रियल नंबर में आते हैं, और इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, तो निगेटिव आता है मतलब क्या, वो होल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट तो दिया है बट इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन है, कैन यू स्पीक इन मराठी? अब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। और ये विक्रम देखो, जैसे आपने वो बोला था स्टेटमेंट नहीं है तो बार बार हम लोग को कमांड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे मेंशन करने को जरूरी नहीं है क्या? नहीं मतलब वैसे अगर करोगे भी तो भी ठीक है, बट कैसे है ना कि सिर्फ ये उसमें मतलब पर्टिकुलर टाइप नहीं मेंशन करना होता है, हम लोग को ये लिख देंगे तो नॉट अ स्टेटमेंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बट कैसे एक ही मार्क्स का आता है तो वो लिख देने का अच्छे से। अच्छा ये देखो, ये जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था x square equals to x था, तो वो स्टेटमेंट x equals to 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x square minus 6x minus 7 equals to 0 when x equals to 7। अब यहाँ पे क्या बोला है ना, जब x का वैल्यू 7 होगा तब ये वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। अब x का वैल्यू इसमें पुट करो, x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, 49 है, 49 है, फिर 6 into 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 और ये माइनस 7 मतलब यहाँ पे 49 है और ये माइनस और माइनस प्लस होके ये भी 49 बन जाएगा, तो प्लस 49 माइनस 49 गेट्स कैंसिल और इसके बाद में वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे कैसे प्रॉपर x का वैल्यू गिवन है कि जब x का वैल्यू 7 होगा तब 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो हम लोग को ये वैल्यू ना पुट करना होगा, ये जो x है उसको इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, अगर वो इक्वल टू RHS आ गया तो ये तो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, और इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वन है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हाँ तो तुम लोग को शायद से याद होगा कि क्यूब रूट का मतलब क्या था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा सुना रहेगा आप लोग ने, ओमेगा ओमेगा क्या था, उसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोला है। सम ऑफ क्यूब रूट कैसा होता था ना, उसमें 1 होता था, ओमेगा होता था और ओमेगा स्क्वायर होता था लास्ट एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सॉरी वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। सॉरी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे पूछा है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है और यहाँ पे 0 लिखा है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे बोला है कि इट रेन्स हैवली, अब यहाँ पे इट जो है ये मतलब एक मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये ओपन सेंटेंस में आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी था सब ये सब में सिर्फ हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना था कि स्टेटमेंट है कि नहीं है, और अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना था हमें। फिर नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या पूछा है सर, एक बार रिपीट करो।
कौन सा सर? वो ऊपर जो ऊपर था ना अभी, कौन सा सर? वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला सर। हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बोला है? जीरो बोला है। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैसा होता है कि ओमेगा क्यूब, याद होगा शायद से, ओमेगा क्यूब इज वन होता है और यहाँ पे लिखा है जीरो लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, मतलब ये तो स्टेटमेंट है बट इसलिए इसका वैल्यू जो है वो भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नहीं समझा? हाँ सर बोलो। हाँ अच्छा, नेक्स्ट वन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। ये ऐसे टाइप के सम्स हमने कल किए थे कि कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या था, जिसको ब्रेक करके हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। अच्छा ये देखो कंबाइन किससे किया है, एंड से किया है, एंड से किया है, और इसके बाद में एंड से कंबाइन किया है, और एंड के बाद जो है स्टेटमेंट वो क्या दिया है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब यहाँ पे कैसे दो स्टेटमेंट हो जा रहे, एक फर्स्ट वाला जो है वो नागपुर इज इन महाराष्ट्र और सेकंड जो है वो चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब कैसे हो जाएगा कि फर्स्ट जो एंड के पहले होगा, जो एंड के पहले होगा वो पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिखना होगा, लेट पी इक्वल्स टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड क्यू के बाद जो होगा, क्यू के बाद जो होगा वो क्यू, सॉरी पी एंड के बाद जो होगा वो क्यू हो जाएगा। तो क्यू के लिए चेन्नई इज इन तमिलनाडु, एंड इसके बाद में सिम्बॉलिकली के लिए, सिम्बॉल के लिए अब यहाँ पे एंड बोला है, तो एंड में हम लोग डिसजंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे पी और ये क्यू के बीच में कंजंक्शन हम लोग को यूज करना है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है ना, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को और से कंबाइन किया है, तो जब और से कंबाइन किया है तो बीच में दोनों के डिसजंक्शन आएगा, और के पहले वाला जो है वो पी हो जाएगा और के बाद में जो है वो क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट जो है वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल है, तो ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और के बाद में आइसोसेलेस है। सिर्फ आइसोसेलेस नहीं लिखना होता है, क्या आइसोसेलेस है वो भी प्रॉपर यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और यहाँ पे नेक्स्ट में क्यू के लिए ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। फिर नेक्स्ट वन है, अच्छा ये पूरे स्टेटमेंट को देखो पहले कि इसको कंबाइन किससे किया है, कौन से कनेक्टिव से कंबाइन किया है। तो द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90। तो ये पूरे स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन किया है, तो इससे ये तो हमें पता चल जाता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ है तो ये बाई कंडीशनल हो जाता है, बाई कंडीशनल में हम लोग डबल एरो यूज करेंगे। अच्छा तो कैसा था ये, जो इफ एंड ओनली इफ के पहले जो होगा ना वो पी हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट पी है, और ये इफ के बाद वाले ये पूरा स्टेटमेंट क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा, एंगल इज राइट एंगल, तो पी के लिए एंगल इज राइट एंगल हो गया। अच्छा क्यू के लिए इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो ये इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, एंड देखना है कि कौन सा कनेक्टिव यूज किया है। अगर यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन यूज किए। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या बोला है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्टियूज बोला है, तो ऐसा बोला है ना कि एंगल एक्यूट भी नहीं है ऑप्टियूज भी नहीं है। अच्छा नाइदर और नॉर ये पूरा ना नॉट स्टेटमेंट का मतलब नॉट के लिए होता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव वर्ड्स है। अब एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्टियूज बोला है, मतलब नॉट का नॉट यहाँ पे आ रहा है, एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑप्टियूज भी नहीं है। तो हम लोग को ना स्टेटमेंट में जब लिखना होगा या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल इज नॉट एक्यूट, एंगल इज नॉट ऑप्टियूज ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ना हम लोग कैसे जब कंसिडर करेंगे ना तो स्टेटमेंट को पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोला है एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो हम लोग क्या करते हैं ना लिखते हैं पी के लिए एंगल एक्यूट भी है और क्यू के लिए एंगल ऑप्टियूज भी है,
तो फर्स्ट एंगल इज एक्यूट और सेकंड एंगल इज ऑब्ट्यूज, बट यहाँ पे नॉट और नॉट दोनों था, तो इसलिए यहाँ पे देखो नाइदर और नॉर, नाइदर नॉर मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ भी मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है अपने पास में, मतलब इसका ये मतलब हो रहा है कि एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है. अच्छा, और मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये पूरा एंड का काम कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों भी नहीं है. और जब दोनों नहीं है तो हम लोग को याद है कि हमने बताया था कि मैं ये एंड के लिए, एंड के लिए कैसे दोनों ट्रू होना चाहिए. तो अब यहाँ पे कैसे है, नाइदर और नॉर ये ना एंड का काम करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए. तो दोनों जब भी मतलब जब अपने पास में ऑप्शन नहीं होंगे तब हम लोग एंड यूज करेंगे. अब ये कैसे, हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया है बट यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे, इसीलिए नेगेशन आ जाता है, क्योंकि नेगेशन जो है वो नॉट का काम करता है. तो इसलिए पी के लिए भी नेगेशन और क्यू के लिए भी नेगेशन हो जाएगा. नेक्स्ट वन है, अच्छा ये स्टेटमेंट में देखो, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, देन मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री. अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट एंगल है, फोर्थ वाला, ये ना फोर्थ वाला, यस. अच्छा, इसमें क्या बोला ना, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो हमें ना पॉजिटिव स्टेटमेंट ही कंसीडर करना है. तो पहले पी हम लोग ने ये कंसीडर किया कि एंगल क्या है, एक्यूट है, और एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है. मतलब जैसा स्टेटमेंट में दिया है ना, अगर नॉट आ गया ना तो उसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, बट यहाँ पे लिखना है उसको पॉजिटिव है. अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा एंगल इज एक्यूट और फिर बाद में क्यू के लिए एंगल इज ऑब्ट्यूज लिख दिया, बट ये जैसे नाइदर एंड नॉर है, नाइदर नॉर मतलब कैसे वो नॉट का ही काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पी के भी पहले नेगेशन आ जाएगा और क्यू के पहले भी नेगेशन आ जाएगा. बट कैसे यहाँ पे ये भी एक्यूट भी नहीं होना चाहिए और ऑब्ट्यूज भी नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बीच में एंड आ जाता है. तो अब यहाँ पे कैसे, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, अगर ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है एट बी पे, देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर बी 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल है और उसमें सिर्फ बी 90 डिग्री का है, तो बी अगर 90 डिग्री का है तो बाकी जो बचे वाले, मतलब बाकी जो मेजर्स बचे हैं, मतलब एंगल्स जो बचे हैं वो ए और सी है, तो अगर एक 90 होगा तो बाकी सब को ऐड करने के बाद वो भी क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि पता है हमें सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो अगर बी जो है, फिलहाल तो यहाँ पे हमें मतलब ऐसा ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये स्टेटमेंट्स को इफ से ज्वाइन किया है और देन से ज्वाइन किया है, तो इफ के बाद वाला जो है ये पूरा स्टेटमेंट पी हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट पी हो जाएगा और देन के बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो क्यू हो जाएगा. तो पी के लिए ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी और क्यू के लिए मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ और देन है इसलिए इम्प्लीकेशन आ जाता है. अच्छा यहाँ पे भी देखिए ये कैसे है ना, इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया है, तो इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया है, मतलब बट सर वो ट्रायंगल में तो इंप्लाइज की तरह रॉन्ग आना चाहिए ना, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री कैसे हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल सिर्फ 90 है ना, बी है ना 90. अच्छा एडिशन है, सॉरी सर. हां और हमें यहाँ इसमें ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ना स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, मैंने भी वो नोटिस नहीं किया इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगा. अच्छा नेक्स्ट वन जो है, अब ये देखो डायरेक्ट इसमें स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किससे किया है, तो इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया है, तो इफ एंड ओनली इफ से जब भी ज्वाइन किया है तो डायरेक्ट हमें ये सोच मतलब देखना है कि इफ एंड ओनली इफ है तो डबल इम्प्लीकेशन आ जाता है, और डबल इम्प्लीकेशन है इफ एंड ओनली इफ के पहले पी और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला क्यू, तो पी एंड क्यू स्पेसिफाई करना है हमें और इसके बाद में डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेना है. नेक्स्ट वन है, अब यहाँ पे एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर है बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर बोला है. अच्छा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एंड के कुछ और भी कनेक्टिव्स होते हैं, एंड की जगह पे कुछ और कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं,
जैसे बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, मोर ओवर हो गया, ये सब ना एंड का काम करते हैं. तो अब ये बट के पहले जो है ना वो पूरा स्टेटमेंट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पी. अच्छा ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना इसमें देखोगे ध्यान से अगर, तो x is, ये not आ रहा है, not आ रहा है. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था जब भी not आएगा ना तो ये स्टेटमेंट को पहले पॉजिटिव कंसिडर करोगे और ये not जो है उसको हम लोग ना negation से यूज कर लेंगे, मतलब स्पेसिफाई कर देंगे वहां पे. आप हम लोग p के लिए ये स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं. x क्या है, इरेशनल नंबर है. जो x है वो इरेशनल नंबर है. और इसके बाद में बट के बाद जो है वो यहाँ पे x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब दोनों x के लिए बोला गया था. तो p के लिए x इज अ रैशनल नंबर और q के लिए x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो गया. और फर्स्ट स्टेटमेंट में नॉट है इसलिए नेगेशन आ जाता है और बट मतलब एंड होता है इसलिए कंजंक्शन आ जाएगा यहाँ पे. तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया. थर्ड टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल. अब यहाँ पे क्या बोला है कि राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे क्या करना है ना, जैसे फर्स्ट में हम लोग को ट्रूथ वैल्यू निकालना था, मतलब स्टेटमेंट है कि नहीं ये वो चेक करना था. और इसके बाद में स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना था. अब सेकेंड सम में कैसा था कि उसको सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करना था. और जो ये वाला सम है इसमें हमें क्या करना है कि सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट भी करना है और उसका ट्रूथ वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा. मतलब पहले के सम्स जो है वो और कम्बाइन होके यहाँ पे मतलब आ गए. तो अब यहाँ पे कैसे देखना है, क्या बोला है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. तो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम. तो स्टूडेंट अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना वो और से कनेक्ट किया है दोनों वर्ड स्टेटमेंट को. तो और से कनेक्ट किया है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे डिसजंक्शन आ जाएगा, डिसजंक्शन आ जाएगा. अच्छा और के पहले जो होगा ना वो पी हो जाएगा और के बाद जो होगा वो क्यू हो जाएगा. तो P क्या है, 4 is odd और Q क्या है, 1 is prime. अब 4 odd number है, ये P क्या हो जाएगा, false हो जाएगा क्योंकि 4 क्या है, even number है. अच्छा next क्या बोला है, Q 1 is prime. अच्छा prime number 2 से start होता है तो 1 prime हो ही नहीं सकता क्योंकि बोला हमें पता भी है कि 1 prime भी नहीं होता है और composite भी नहीं होता है. तो 4 even number है और 1 prime number नहीं है तो दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है. तो जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली. अब सिंबॉलिक फॉर्म के लिए ये और था इसलिए यहाँ पे और आ जाएगा. पी का वैल्यू फॉल्स है, क्यू का वैल्यू भी फॉल्स है और दोनों को कंजंक्शन डिसजंक्शन से ज्वाइन किया था हमने. अच्छा और के लिए क्या कंडीशन था, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है इसलिए पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. नेक्स्ट वन है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 64 परफेक्ट स्क्वायर है एंड 46 इज अ प्राइम नंबर. तो 64 8 का स्क्वायर होता है और इसके बाद में 46 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का मतलब क्या था, जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है. 46 के तो बहुत सारे फैक्टर्स है, 2 से भी डिवाइड होता है और ये 46 से भी डिवाइड हो जाएगा, 23 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं उन्हीं को सिर्फ प्राइम नंबर बोलेंगे. अब यहाँ पे 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो ये पी का स्टेटमेंट हो जाएगा और एंड के बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो क्यू के लिए हो जाएगा. तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और क्यू के लिए 46 इज अ प्राइम नंबर. अब दोनों को एंड से ज्वाइन किया है इसलिए यहाँ पे बीच में डिसजंक्शन आ जाएगा. अच्छा 64 परफेक्ट स्क्वायर है जो कि क्या है, ट्रू है और 46 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा. अच्छा पी और क्यू के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो पी के लिए ट्रू है, क्यू के लिए फॉल्स है. अच्छा डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है यहाँ पे. तो कंजंक्शन के लिए क्या था कि दोनों ट्रू होना चाहिए बट यहाँ पे कैसे एक ट्रू आ गया और एक फॉल्स आ गया तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा. तो सेकेंड टाइप में जितने भी सम्स हैं सब ऐसे ही है. एक दो और मैं बता देता हूं इसमें से. हाँ यहाँ पे क्या है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू.
और ये चैप्टर स्टूडेंट्स ऐसा ही है, मतलब ये ऐसा लगेगा कि हम लोग कुछ ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हैं, और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह है कि जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज वगैरह हो सकती है। और ये चैप्टर्स आप लोग को मतलब ये बेसिक जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह, ये आप लोग को फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में भी पढ़ना होगा। आप यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया है, इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया है, तो उसके पहले जो स्टेटमेंट है वो पी हो जाएगा, उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग ने मेंशन किया पी एंड क्यू के लिए क्या क्या हो जाएगा। अच्छा, मिल्क इज वाइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और स्काई इज ब्लू, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, तो पी का स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू का स्टेटमेंट भी ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए ये बाई कंडीशनल हो जाता है। बाई कंडीशनल के लिए अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था कि दोनों अगर सेम होगा तभी स्टेटमेंट ट्रू आता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये टाइप के सम्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, बाकी के आप लोग कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट टाइप जो है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने कर चुका है कल। तो यहाँ पे कैसा बोला है, इफ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि कल हम लोग ने किया था ऐसे टाइप के सम्स, पी और क्यू तो ट्रू है बट आर और एस तो फॉल्स है, तो इसका आप लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में ना हमें ना फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है। अब पी के लिए ट्रू, क्यू के लिए भी ट्रू, आर के लिए फॉल्स। और मैंने बताया है आप लोगों को कि पहले ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करना, हमेशा पहले ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करना होता है। तो पी के लिए ट्रू लिखा, क्यू के लिए ट्रू लिखा, आर के लिए फॉल्स लिखा। अच्छा, ये ब्रैकेट का पार्ट है तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो, एक ट्रू है और एंड है और फॉल्स है। एंड के लिए क्या कंडीशन था, दोनों ट्रू होना चाहिए, बट ये ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट फॉल्स आ जा रहा है, तो ये पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अच्छा, तो पहले क्या था, ट्रू था, फिर यहाँ पे और था, और ये पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंड है। और एंड में ये होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू आता है। अब यहाँ पे एक फॉल्स हो गया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रू है और ये और है और ये फॉल्स है। और के लिए क्या कंडीशन था, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो दोनों में से एक ट्रू तो है यहाँ पे, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट सम यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे ही पी और क्यू की वैल्यू पुट करो, आर एस की वैल्यू पुट करो, तो पी के लिए भी ट्रू, क्यू के लिए भी ट्रू, आर के लिए फॉल्स, एफ के लिए, एस के लिए भी फॉल्स। अच्छा, ये इम्प्लीकेशन है, तो ये याद रखना होगा आप लोगों को कि कौन से सिचुएशन में क्या होता है। तो यहाँ पे कैसा है, इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब होता है, जब फर्स्ट ट्रू होगा सेकंड फॉल्स होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो जब दोनों ट्रू है तो ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है वो सिर्फ ट्रू आ जाएगा, और ये उसके बाद वाला जो है ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो अब फॉल्स एंड फॉल्स, इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब आता है, जब ट्रू एंड फॉल्स सीक्वेंस फॉलो होता है, बट यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू ट्रू हो गया, ये वैल्यू भी ट्रू हो गया। डाउट है विक्रम? हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू हो जाता है, एंड दोनों को हम लोग ने मतलब यहाँ पे और से कंबाइन किया है, तो और के लिए तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू। ये सब आज आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे। अच्छा, यहाँ पे ये क्या क्यू एंड आर है और नेगेशन ऑफ पी एंड एस है। अच्छा, ये ना पहले पूरे क्वेश्चन को देखोगे और दोनों में ना पहले ब्रैकेट के पार्ट, एक ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया और ये सेकंड ब्रैकेट हो गया, तो दोनों फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट है और इसके बाद में दोनों को कंबाइन किससे किया है वो देखना है, दोनों को और से कंबाइन किया है, तो ना ये इसका जो रोल होगा एकदम लास्ट में, मतलब लास्ट में उसको सॉल्व करना है, बट पहले उसके पहले वाले और उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट्स दिए उनको सिंप्लीफाई करना होता है। अब यहाँ पे कैसे क्यू के लिए ट्रू हो जाएगा, आर के लिए फॉल्स है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी के लिए टी आ जाएगा और ये एस के लिए फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये एंड है
एंड में कैसे दोनों ट्रू होना चाहिए, तो दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स आ गया. अब नेगेशन ऑफ ट्रू है, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, नेगेशन मतलब अपोजिट. अगर ये ट्रू दिया है तो इसका फॉल्स आ जाएगा, और ये फॉल्स तो पहले से ही है, ये जो फॉल्स है हमने वैसे ही लिखा, ये और है वैसे ही लिखा. अच्छा ये फॉल्स है एंड फॉल्स है, एंड के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. तो फॉल्स और फॉल्स भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा. ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये भी मैं सिक्स वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. यहाँ पे कैसे दिया है ना, ये पूरा मतलब कैसे, ये थोड़े लेंदे सम्स होते हैं बट कैसे कंफ्यूजिंग होते हैं, बट हम लोग पर्टिकुलर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है, वैसे अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग को सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है. तो नेगेशन अपनी जगह पे है, पी की जगह पे ट्रू आ जाएगा, एंड भी अपनी जगह पे है, नेगेशन वैसे ही रहेगा, क्यू जो है वो टी है और आर जो है वो फॉल्स है. तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने वैल्यूज पुट अप कर दिया, अब और वैसे ही लिखा. सेकंड ब्रैकेट में भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम लोग. अब सेकंड ब्रैकेट के लिए क्यू जो है वो टी है, आर जो है वो फॉल्स है, और के लिए भी वैसे ही रखेंगे, पी के लिए ट्रू और आर के लिए फॉल्स. तो फर्स्ट स्टेप में हमने जैसा ब्रैकेट है वैसे ही यूज किया है, और इसके बाद में जैसा ब्रैकेट है हमने वैसे ही यूज किया है, और यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. अब नेगेशन ऑफ ट्रू आ जाता है पहले, तो नेगेशन ऑफ ट्रू जो है वो क्या होता है, फॉल्स होता है. तो हमने फर्स्ट में क्या लिखा, फॉल्स लिखा, एंड वैसे ही है नेगेशन ऑफ ट्रू जो है, नेगेशन ऑफ ट्रू जो है वो क्या है, फॉल्स है, और एंड वैसे ही है और फॉल्स यहाँ पे वैसे ही है. तो पहले मैंने क्या किया, ये सब जो भी नेगेशन वाले हैं ना उन्हें मैंने कैलकुलेट कर दिया, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स हो गया, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स हो गया. उसके बाद में बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको वैसे लिखना है, बट यहाँ पे कैसे नेगेशन नहीं था तो उनको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया. अच्छा ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है तो उसमें कैसे कंबाइन एंड से किया है, तो एंड का मतलब क्या, दोनों ट्रू होना चाहिए, बट दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स आ गया, और ये जो और है वो हमने यहाँ पे लिखा है. अब सेकेंड ब्रैकेट या यहाँ पे सेकेंड का सेकेंड ब्रैकेट, इसमें भी देखो दोनों जो है उसमें से एक ही ट्रू है, बट दोनों ट्रू होना चाहिए था, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा. ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, और दोनों को और से कंबाइन किया था, तो ये फॉल्स और दोनों को और से कंबाइन किया था. अच्छा देन इसके बाद में ये पार्ट जो है इसमें तो हमने सिर्फ नेगेशन कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना ये, हाँ बोलो सर. थर्ड स्टेप आप वापस से बता सकते हो क्या? हाँ. अच्छा ये जो फर्स्ट स्टेप था, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमने क्या किया ना, सिर्फ P की जगह पे ट्रू लिखा, Q की जगह ट्रू लिखा, R की जगह फॉल्स लिखा, और S की जगह भी, S तो यहाँ पे सॉरी है नहीं, तो P एंड Q का वैल्यू पुट किया फर्स्ट स्टेप में. ठीक है, इसके बाद में नेगेशन पहले निकाल लिए. ये पूरा फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसमें नेगेशन निकाला है सिर्फ. नेगेशन मतलब जैसे यहाँ पे नेगेशन ट्रू है तो उसका फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेशन ट्रू है तो उसका फॉल्स आ जाएगा. बाकी वैसे ही लिखना है सब. बाकी अब यहाँ पे जैसे ये एंड है तो एंड ही लिखना है, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे भी एंड वैसे ही लिखना है, और ये फॉल्स आ जाएगा. नेगेशन अगर फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा. बराबर बराबर बराबर. सिर्फ हमें ना मतलब नेगेशन का मतलब ही वही था कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना है, फॉल्स है तो ट्रू कर देना है. तो अब यहाँ पे कैसे, पहले फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट अप कर दिए, सेकंड में नेगेशन, फर्स्ट ब्रैकेट का ना नेगेशन फाइंड किया हमने अभी तक, और सेकंड में सिंपलीफाई था पहले से, तो उसका वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया. अच्छा ये एंड था, एंड था इसीलिए यहाँ पे दोनों ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे एक ही ट्रू है, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. और के बाद वाला ये जो स्टेटमेंट है इसमें भी दोनों के लिए कैसे एक ही ट्रू है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. तो ये पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स और ये पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स, दोनों को और से कंबाइन किया हुआ था, तो फॉल्स और फॉल्स आ जाएगा. तो अब यहाँ पे हमने ना सिर्फ थर्ड स्टेप में नेगेशन कैलकुलेट किया और ये सेकेंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया. अच्छा ये स्टूडेंट फॉल्स एंड फॉल्स है. अब देखो पहले कि हम लोग को ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करना होता है, तो हम लोग ना फर्स्ट ब्रैकेट का पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. तो ये फॉल्स तो पहले से ही था और एंड भी पहले से ही था, और ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू क्या है, फॉल्स आ गया, तो हम लोग ने वैसे लिखा. अब यहाँ पे और था पहले से ही, तो यहाँ पे भी और है. अच्छा ये भी एक ब्रैकेट है,
फॉल्स और फॉल्स, और के लिए क्या कंडीशन था, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैसे है ना, ये दोनों को एंड से कंबाइन किया है, तो एंड से कंबाइन किया है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और वैसे ही है और ये भी फॉल्स है। मतलब ये कैसे ना, स्टेप बाय स्टेप हमें ना सिर्फ पहले ब्रैकेट के पार्ट्स को सॉल्व करना होता है, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे प्रोसीड नहीं करना है। हाँ, ये थोड़े सम्स लेंदी है। इसमें कैसे ब्रैकेट वगैरह का अच्छे से यूज करना होता है, जैसा क्वेश्चन में ब्रैकेट वगैरह दिया रहेगा हम लोग को वैसे ही ब्रैकेट यूज करना है, और सिर्फ ध्यान रखना है कि पी एंड क्यू का वैल्यू क्या होगा और कैसे इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे सिंपल ये है कि पहले उसके वैल्यूज पुट अप कर दो। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखिए जो जैसा है वैसे लिखा है, नेगेशन है तो नेगेशन है, एंड है तो एंड, सिंबल वगैरह में कहीं पे भी चेंजेस नहीं करना है। पी की जगह पे ट्रू लिखना है, क्यू की जगह पे ट्रू, आर की जगह पे फॉल्स, एस की जगह पे फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ब्रैकेट सॉरी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमने वैल्यूज पुट अप किया है। अब सेकंड स्टेप में हमको ब्रैकेट के पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो अब ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये एक ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट को भी पहले सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेशन दिया है, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन पहले ट्रू का दिया है, तो नेगेशन अगर ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। टी का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये एंड वैसे ही रहेगा और टी वैसे ही रहेगा। फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग ने सिर्फ अभी तक नेगेशन कैलकुलेट किया है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग। हाँ अच्छा, ये सॉरी मैंने ये यहाँ पे गलती से सिंबल मैंने और लिखा है, एक मिनट। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ टी एंड टी, ये फर्स्ट में वैल्यूज पुट अप कर दिए, इसके बाद में नेगेशन ऑफ टी जो है वो फॉल्स हो जाएगा, एंड भी वैसे रहेगा और ये टी वैसे रहेगा। और इसके बाद में ये सिंबल मैं आप लोग को बाद में बता देता हूँ कैसे होगा। नेगेशन ऑफ फॉल्स जो है, नेगेशन ऑफ फॉल्स जो है वो की क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा और भी वैसे ही रहेगा। अच्छा, इम्प्लीकेशन के लिए कैसा था, अगर ट्रू फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, बट यहाँ पे दोनों ट्रू है इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। नेगेशन ऑफ फॉल्स है, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू और तो अपनी जगह पे रहेगा और फॉल्स के लिए वैसे रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे ना, ये एफ एंड टी था, मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे स्किप किए हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। वेट, हाँ अच्छा, इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन वगैरह भेज दूंगा क्योंकि कैसे ना मैंने दो तीन स्टेप स्किप किया है तो वो थोड़ा बाउंस हो जाएगा आप लोगों को। मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो है इसके एक दो स्टेप्स मैंने स्किप किया है जिससे वो सिंबल वगैरह आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, तो मैं वो प्रॉपर लिख के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो सम है इसमें भी बाकी साइन वगैरह वैसे ही हमें लिखना है, और इसके बाद में फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है। तो पी की जगह पे ट्रू, आर की जगह पे फॉल्स, एस की जगह पे फॉल्स, क्यू की जगह पे भी ट्रू, तो सब वैल्यूज पहले पुट अप कर दो, फिर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व करो। देखो इसमें तीन ब्रैकेट है, एक ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो गया, ये एक सेकंड ब्रैकेट हो गया और ये थर्ड ब्रैकेट हो गया, तो पहले इन तीनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नेगेशन है तो पहले नेगेशन को सॉल्व कर लो, तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ ट्रू है तो इसको भी फॉल्स हो जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट तो सिंप्लीफाई था इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। एंड के लिए क्या हो जाएगा, दोनों अगर ट्रू है तभी ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे एक ट्रू है एक फॉल्स है इसलिए पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब पहले हमने क्या किया, वैल्यूज पुट अप कर दिए, फिर इसके बाद में नेगेशन कैलकुलेट कर दिए, ये दोनों स्टेटमेंट में नेगेशन था तो इसका पहले नेगेशन कैलकुलेट किया हमने, बट ये थर्ड ब्रैकेट है ना पहले से सिंप्लीफाई था इसलिए हमने इसका डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप कर दिया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बाकी सिंबल्स वगैरह सब वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे कैसे फर्स्ट वाला जो है फॉल्स है और सेकंड वाला भी फॉल्स है। अब एंड है तो एंड के लिए कैसा होता है, अब फर्स्ट वाला फॉल्स है सेकंड वाला भी फॉल्स है, एंड के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे हो जाता है कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है,
कोमल एंड अब यहाँ पे कैसे फॉल्स एंड फॉल्स है, अब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आ जाएगा, बट यहाँ पे कैसे दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो इसलिए पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और अपनी जगह पे रहेगा ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर। अच्छा सेकंड ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में याद है ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बट फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है। अब यहाँ पे फॉल्स हमने वैसे लिखा, अब सिर्फ एक ब्रैकेट बचा है। अब यहाँ पे फॉल्स है ये और पहले वाला साइन था और यहाँ पे ये ट्रू था। अच्छा और के लिए क्या कंडीशन होता है स्टूडेंट्स की, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे तो दोनों में से एक ट्रू है इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाता है और ये फॉल्स अपनी जगह पे है। अच्छा इसके पहले ना नेगेशन भी था, तो पहले नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, और यहाँ पे फॉल्स अपनी जगह पे है तो फॉल्स। अब यहाँ पे बाईकंडीशनल है और ये भी फॉल्स है तो फॉल्स बाईकंडीशनल फॉल्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट बाईकंडीशनल में कैसे रहता था कि दोनों सेम स्टेटमेंट होता था, अगर दोनों सेम स्टेटमेंट है तो वो ट्रू आ जाता है, तो यहाँ पे फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा ये सबसे इजी है, यहाँ पे हमें ना सिर्फ नेगेशंस कैलकुलेट करना है, तो नेगेशंस के लिए अब फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या लिखा है, तिरुपति, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे नेगेशन कैलकुलेट करना है, नेगेशन का मतलब क्या था, सिर्फ नॉट इंसर्ट करना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो कैसे, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट में नॉट नहीं है, अगर जब स्टेटमेंट में नॉट नहीं होगा तो हमें सिर्फ नॉट इंसर्ट करना है, तो हमने क्या लिखा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे था स्टेटमेंट, थ्री इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो। अब ये स्टेटमेंट में ना, ये क्वेश्चन में पहले से नॉट दिया हुआ है, तो इसमें से सिर्फ नॉट हटा दो, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पे क्या दिया है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब पॉलीगॉन ए बी सी डी, ई इज अ पेंटागॉन, अब यहाँ पे नॉट नहीं है इसलिए नॉट इंसर्ट कर देना है। अच्छा यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 दिया है। अब 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे नेगेशन कैसे यूज करोगे, नेगेशन मतलब क्या नॉट होता है, बट यहाँ पे कैसे हो जाएगा ना, अगर ये जो भी सिंबल दिया रहेगा उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन नहीं है, या फिर इसको आप लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो इसको इक्वल टू भी लिख सकते हो। हम लोग एक मिनट, लेस देन इक्वल टू साइन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और या फिर उसको क्रॉस भी कर दोगे तभी भी वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक बार मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का ओवरऑल बता देता हूँ, हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, अगर आप लोगों को ये समझाए तो थम्स अप करिएगा। और इसमें कैसे है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ा, इसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने स्टेटमेंट पढ़ा, लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा, इसके बाद में नेगेशन पढ़े, फिर इसके बाद में कैसे कैसे सिंबल्स वगैरह यूज करना है, ये सब था। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है, और ये पूरा चैप्टर जो है ना ये हमें 6 to 8 मार्क्स के लिए आता है ऑप्शन के साथ में। तो अब सेकंड एक्सरसाइज के लिए तो कैसे कि ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का एक समरी टाइप में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टेटमेंट या तो ट्रू होना चाहिए याद रखो, या तो फॉल्स होना चाहिए, बट बाकी उसमें ऐसे उसका वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए। फिर उसके बाद में उसमें हम लोग ने दो टाइप के स्टेटमेंट्स भी पढ़े थे, एक सिंपल स्टेटमेंट पढ़े थे और एक कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े थे। सिंपल मतलब जिसको ब्रेक नहीं कर सकते,
और कंपाउंड मतलब जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। और इसके बाद में ओपन सेंटेंस कैसे जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता होता है उसे हम लोग ओपन सेंटेंस बोलेंगे। सॉरी, उसको हम लोग ओपन सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव्स फाइव टाइप के थे, एंड और इफ देन, और इसके बाद में इफ एंड ओनली इफ, और इसके बाद में इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, सॉरी नॉट था। संकेत सर? हाँ जी सर। हाँ सर, आगे कंटिन्यू करना है सर कि मतलब? नहीं सर, आई थिंक इनफ है आज के लिए। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा था क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आज ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे सब तो अच्छा हो जाएगा। और मैं सर पीडीएफ बच्चों के पास होगा शायद से। सर अगर आपके पास पड़ा हुआ है ना आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं वापस ग्रुप पे डाल दूंगा सबको। और वीडियो भी मैं आज रात तक अपलोड कर लेता हूं ताकि इनको वो भी मिल जाए। चलेगा चलेगा, फाइन सर। मैं भी सर सोच रहा हूं घर पे ये मैंने बोर्ड वगैरह अरेंज किया है तो मैं सोच रहा हूं कि अगर वीडियोस भी प्रॉपर हो जाएंगे ऐसे यूट्यूब के लिए तो वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो भी थोड़ा इन्हें और क्लियर हो जाएगा। चलेगा सर, जैसे जैसे आपका मन करे, जैसे आपको लगता है सही है आगे पढ़ाने के लिए वैसे आप करिए। ओके ओके, फाइन सर। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा और पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ अभी के, तो फिर आप लोग को वो मिल जाएगा। एंड इसके बाद में ये टेक्स्ट बुक भी रिफर करिएगा, उसके सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे और मिसलेनियस भी देखिएगा जो सेम टाइप के सम से, वो ट्राई करो। और कुछ भी डाउट्स होगा तो फिर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू आज के लिए। ऑल्सो वन मोर रिमाइंडर एवरीबॉडी, जिसका नाम अभी तक अपना एक्चुअल नाम नहीं रखा हुआ है, गैलेक्सी J7 मैक्स, किसी ने अभी तक अपना जूम लिंक का नाम रखा हुआ है वगैरह वगैरह, प्लीज चेंज इट टू योर एक्चुअल नेम, अदरवाइज वी विल बी फोर्स्ड टू किक यू आउट बिकॉज़ वी कांट अलाउ एनीबॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। बस भाई ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स।